अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू सनाज ऑल इन वन चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार और झटपट मूंग की दाल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है लाल मिर्च का, क्योंकि मेरे पास आधा किलो दाल है। हम लोग स्पाइसी खाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट का। 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा भर के। 1 पोथी ली है पूरी लहसुन की, उसको मैंने चॉप किया हुआ है। और धनिया है, बाद में हम शामिल करेंगे। अदरक 2 इंच का बड़ा टुकड़ा है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेंगे। इनको मैं चॉप करूंगी और चॉप करके डालूंगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना कितना डलेगा, इसलिए मैंने इसी तरह से रखा है। इसको हम चॉप करके या पीस के डाल लेंगे। पीस के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एंड में जाएगा गरम मसाला। ये देखें, आधा किलो दाल थी जिसको मैंने 15-20 मिनट से भिगो के रखा हुआ था और बार बार मैंने इसको धोया है। इसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है ताकि दाल की एक अजीब सी हमक होती है उसमें, एक महक होती है, वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी। और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें 6 से 6.5 गिलास पानी शामिल किया है और आँच मैंने ऑन की भी है। और अब इसमें मैं डालूँगी ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा हम शामिल करेंगे तड़के में। ये शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे अदरक और हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छे सा चॉप कर लिया है। अब प्रेशर कुकर को लगाएंगे हम वेट सिर्फ 4 मिनट के लिए। ये 4-5 मिनट में दाल रेडी हो जाती है, इसलिए इसको झटपट दाल कहते हैं। तो प्रेशर कुकर में बनाने का मकसद भी यही कि फटाफट से रेडी हो जाए। तो बस 4 मिनट लगाऊंगी। फिर बस 4 मिनट हो गए हैं। तो 4 मिनट तक मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से जब स्टीम निकल गई है, अब मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखें, दाल की थिकनेस ये आई है, बिल्कुल ठीक है। इसे गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो पड़ी पड़ी और गाढ़ी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती। अब दाल हमारी रेडी है। अब हम दाल के लिए तड़का रेडी करेंगे। तड़का रेडी करने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है। दाल में ज़रा ऑयल अच्छा लगता है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। हल्का ऑयल गर्म हो गया। अब मैंने इसमें लहसुन डाला है जो मैंने बारीक चॉप किया था। बड़ा बड़ा लहसुन अच्छा नहीं लगता, तो ये अच्छा लगेगा। इसको भी हल्की आंच पे ही ज़रा फ्राई कीजिएगा ताकि लहसुन का अपना फ्लेवर आए, जल ना जाए एकदम से। हमने ना इसको ज़्यादा ब्राउन करना है ना इसको लाइट रखना है। अब इसमें जो हमने सफेद जीरा लिया था उसको जरा मसल के डाल देंगे। जीरे का बड़ा अच्छा लगता है फ्लेवर। अब तड़के को दाल में शामिल कर देंगे और मिक्स करके फटाफट से इस पे ढक्कन रख देंगे। ये देखिए, इसको फटाफट से ढक देंगे और इसमें 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। इसको 5 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ना है ताकि अच्छी तरह से तड़के का फ्लेवर आ जाए और गरम मसाले की खुशबू आ जाए। तब तक मैं डिश आउट करती हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखें, मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। बहुत टेस्टी बनी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।